फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं आपके साथ कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब और गूगल पे तो हर वक्त अपडेट्स होते ही रहते हैं, तो इस वीडियो पे मैं फ्रेंड्स रिसेंट जो अपडेट्स आया है यूट्यूब और गूगल की तरफ से, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करके एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनती हूँ, मैं प्रियंका आपके साथ हर वक्त रहूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, उसके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो अपडेट्स आ रहे हैं वो फ्रेंड्स गूगल GDPR से। GDPR क्या होते हैं? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, गूगल का जो डेटा सेंटर रहते हैं, डेटा सेंटर पहले यूरोप पे था, और डेटा सेंटर का कुछ मतलब लोकल कोड का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो गूगल पे जाके क्या विकिपीडिया पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं बात करता हूँ, अभी 5 दिन पहले जो मुझे मेल मिला है, जो गूगल GDPR का अपडेट मुझे मेल मिला है, सभी को शायद मिल गया है, अगर आपको नहीं मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए जरूर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अपडेट्स यहाँ पे गूगल की तरफ से आ रहे हैं कि यहाँ पे यूरोप पे पहले सिचुएटेड था, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ डेटा लीकेज का कुछ इशू यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके लिए गूगल क्या कर रहे हैं, अभी उसको हटा के मतलब उसको शिफ्ट करा के यूके और स्विट्जरलैंड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यूके और स्विट्जरलैंड पे अगर शिफ्ट कर रहे हैं उसका डेटा सेंटर को क्या उसको, तो वहाँ पे जो पॉलिसी होगा, लोकल कोड का जो पॉलिसी होगा, वहाँ पे कुछ चेंजेस होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो एड कंपनी गूगल पे जो एड्स डालते हैं, तो वहाँ पे उसका भी कुछ पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल एड्स जो लोग यूज़ करते हैं, अगर जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब चैनल पे गूगल के एड्स शो होते हैं, अगर आपका कोई भी ब्लॉग है या वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप उसको एडसेंस से आप कनेक्ट किया है और मोनेटाइज किया है, तो वहाँ पे भी आपका गूगल का एड्स चलते हैं। तो ये जो एड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स गूगल ने ये अलर्ट जो मेल है वो हम लोगों को भेज दिया है। तो अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सेकेंड जो यहाँ पे अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ वो फ्रेंड्स यूट्यूब वीडियो पे हम लोग जो एड ब्रेक यूज़ करते हैं उसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा है तो उसके बाद ही आप मल्टीपल एड आप लगा सकते हैं, एड ब्रेक लगा सकते हैं आपका वीडियो पे। तो अगर आपका वीडियो 10 मिनट से कम है, अगर आपका वीडियो हो सकते हैं कि 9 मिनट समथिंग है, 9 मिनट 56 सेकेंड्स, या आपका 8 मिनट समथिंग है, तो आप एड ब्रेक यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी YouTube बोल रहे हैं कि आप एड ब्रेक यूज़ कर सकते हैं अगर आपका वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग है। अगर आपका वीडियो 8 मिनट 24 सेकेंड है, 8 मिनट 15 सेकेंड है, क्या 8 मिनट 5 सेकेंड है, तो भी आप एड ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिड रोल एड्स जो है वो 10 मिनट से रिड्यूस करके 8 मिनट्स कर दिया गया है। तो अभी 8 मिनट्स का वीडियो पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एग्जिस्टिंग जो वीडियो अपलोडेड वीडियोस है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और आपका जो न्यू वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएगा। और इसको अगर आप बंद करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं यूट्यूब स्टूडियो पे जाके आप वहाँ पे इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। और 27 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और एड ब्रेक अगर आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा ही एड ब्रेक यूज़ करते हैं, तो आप मल्टीपल एड आपका वीडियो पे शो करा सकते हैं। इवन फ्रेंड्स आपका जो अर्निंग है, अर्निंग लेवल भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा अपडेट मुझे लगा है। और फ्रेंड्स थर्ड जो अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे, वो है फ्रेंड्स सेल्फ चेक। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ पे सेल्फ चेक का कुछ ऑप्शन रहते हैं, तो ये बहुत ही कारीगर है। और फ्रेंड्स ये थोड़ा पुराने हैं लेकिन बहुत ही कारीगर है, और अभी मैं रिसेंटली इसको यूज़ किया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक दूसरा एक चैनल है और वहाँ पे एक वीडियो पे मेरा येलो डॉलर आ गया था, और जब भी मैं वीडियो को एडिट करके उसके बाद वहाँ पे सेल्फ चेक पे सभी जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके और उसके बाद सेव किया, और तुरंत ही मेरा जो येलो डॉलर था वो उस वीडियो पे ग्रीन हो गया है, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारीगर है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आज आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड सुइटेबिलिटी है, मतलब अगर आपका कोई भी कंटेंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, यहाँ पे कोई भी अगर ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपको दिया है, तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना होगा। तो पहला जो है यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, तो यहाँ पे अगर आपका वीडियो पे इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। अगर आपका कोई भी एडल्ट कंटेंट है तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, टिक करना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपका वीडियो पे कोई भी वायलेंस है, जैसे कि हार्ट करते हैं, कुछ भी डैमेज कर रहे हैं, कुछ इंजुरीज अगर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करता हूँ यहाँ पे हार्मफुल और डेंजरस एक्ट्स के बारे में। तो अगर आप हार्मफुल और डेंजरस एक्ट्स आप कुछ दिखा रहे हैं, कुछ स्टंट वगैरह यहाँ पे दिखा रहे हैं आपका वीडियो पे, तो आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स ड्रग रिलेटेड कोई भी अगर आपका कंटेंट है, अगर कोई भी मेडिसिन के बारे में भी बोल रहे हैं, क्या कुछ भी आप ड्रग रिलेटेड कोई भी कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई भी आप हेटफुल कंटेंट आप अपलोड करते
करते हैं, जैसे कि कोई भी रिलीजन के बारे में कुछ हेडफुल कंटेंट या कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे इसको आपको ऑन कर देना होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे अगर आपका फायर आर्म्स रिलेटेड कुछ भी कंटेंट है, जैसे कि आपका गान हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके ऊपर अगर कोई भी वीडियो वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको इसको मेंशन करना होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद कोई भी सेंसिटिव इशू पे अगर वीडियो करते हैं, जैसे कि ट्रेजेडी हो गया, डेथ हो गया, वार हो गया, तो इसके बारे में अगर वीडियो करते हैं तो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और अगर आप कोई भी आपका यहाँ पे कोई भी कंटेंट आपका ऐसा नहीं है, आपका कंटेंट सब कुछ ठीक ठाक है, आपका टाइटल ठीक ठाक है, डिस्क्रिप्शन ठीक ठाक है, थंबनेल ठीक ठाक है, तो आपको नन ऑफ द अबव यहाँ पे चेक करना होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका वीडियो पे कभी भी येलो साइन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यही कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना था। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज मेरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे लिखना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।